सर, अपार कर क्या है? आजकल स्टूडेंट जो सारे हैं वो बातें कर रहे हैं कि अपार कार्ड बनवा लीजिए। आखिरकार अपार कार्ड बनवा लेंगे तो इसका यूज कहाँ है और ये बनता कैसे है? चलिए तो हम आपको बताते हैं अपार कार्ड कैसे बनता है। प्रियंका, जैसा आपने पूछा है कि अपार कार्ड क्या है और कैसे बनता है, चलिए आज मैं आपको बताता हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे आपके सामने या स्क्रीन पर दिख रहा है ना अपार कार्ड, ठीक है। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है apar.education.gov.in, आप देख पा रहे होंगे ऑफिशियल साइट है apar.education.gov.in, ठीक है, आप देख रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं अपार कार्ड होता क्या है, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा यह बनता कैसे है। तो आप जानिए कि अपार कार्ड क्या है, सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। जितने छात्र जो पढ़ाई कर रहे हैं पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, और जो मैट्रिक पास कर रहे हैं इंटर पास कर रहे हैं उनके लिए भी अपार कार्ड बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन के क्षेत्र में इसका ज़रूरत है। जैसे अगर मानते हैं आप कहीं जाते हैं कहीं एडमिशन के लिए, जैसे मानते हैं आप मैट्रिक पास कर गए और एडमिशन कराने कहीं जाते हैं, तो वहाँ डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है ना जी, होती है। तो डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना पड़ता है, फाइल लेकर जाना पड़ता है, ठीक है। और बहुत सारे डॉक्यूमेंट जाते हैं, आवासीय आय, बहुत सारे डॉक्यूमेंट वहाँ आपको लेकर जाना पड़ता है, मैट्रिक का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट इत्यादि लेकर जाना पड़ता है। लेकिन जब अपार कार्ड रहेगा तो ये सारे डॉक्यूमेंट उसमें एक्सेस रहेंगे, केवल अपार नंबर आप उनको देंगे तो क्या होगा, आपका सारा काम हो जाएगा, सारा डॉक्यूमेंट लेकर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यह अपार कार्ड है उन विद्यार्थियों के लिए जो आज डॉक्यूमेंट के बोझ से परेशान हैं और उनका बहुत सारा डॉक्यूमेंट गुम हो जाता है, इधर उधर चला जाता है और ये परेशान हो जाते हैं। उस परेशानी को दूर करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा यह अपार कार्ड इशू किया गया है, जारी किया गया है। अतः आप सब विद्यार्थी लोग अपार कार्ड जरूर बनवा लेंगे ताकि सारा डॉक्यूमेंट इसमें एक्सेस रहे। कहीं फॉर्म भरवाने के लिए जाइए, किसी काम के लिए जाइए, सिर्फ अपार नंबर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। मैं बता दूं अपार का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। इसमें टोटल एकेडमिक सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। तो यह अपार कार्ड, और मैं आपको बता दूं यहीं से अपार कार्ड भी बनता है। आप इस साइट पर देख पा रहे होंगे, यहाँ साइट पर यहाँ दिया गया है apar.education.gov.in, यहाँ देख रहे हैं ये वेबसाइट है, इस साइट पर आइएगा तो यहाँ आपको यहाँ पे दिया है क्रिएट योर अपार, दिया गया ना यहाँ दिया गया है क्रिएट योर अपार। तो इस पर क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए नीचे ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ आपको कहता है इंटर प्रोविजनल अपार नंबर। बहुत सारे बच्चों को स्कूल के द्वारा अपार नंबर दिया गया होगा, अगर नहीं दिया गया है तो आप नीचे देख लीजिए, नीचे दिया गया है यहाँ। वन सेकेंड मैं बता दूँ, यहाँ मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ आप देखिएगा मैं बता रहा हूँ, यहाँ नीचे आएंगे यहाँ पे तो क्या लिखा है क्रिएट न्यू, ठीक है ना, यहाँ पे क्रिएट न्यू, तो आपको यहाँ क्रिएट न्यू पर क्लिक करना होगा। यहाँ क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही देखिए यहाँ आपको क्या करना है, आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डाल करके यहाँ नेक्स्ट करेंगे तो आपके मोबाइल पर OTP जाएगा, उस OTP को डालकर सबमिट करेंगे, आपका अपार जनरेट हो जाएगा। काफ़ी सिंपल तरीका है अपार नंबर जनरेट करने का। अपार जनरेट हो जाएगा तो अपार क्या होगा, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आपके पास आ जाएगा, जो आपके आधार पर एड्रेस होगा सब कुछ एड्रेस पर रहेगा, केवल आपको एक मिल जाएगा अपार नंबर। काफ़ी सिंपल तरीका है इसे जनरेट करने का। तो सब विद्यार्थी अपार नंबर बना लीजिए, जनरेट कर लीजिए, और कोई समस्या आता है तो कमेंट कीजिए, हम आपको बताएंगे अपार कार्ड कैसे बनाया जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।